अनर्थ हो गया। आप सब यहाँ मीराबाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वहाँ मीराबाई। क्या हुआ मीरा दीदी को? मीराबाई हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हम सबसे दूर चली गई। वो कृष्ण की मूर्ति में समा गई है। पिताजी, क्या ये सच है कि मीराबाई हमें छोड़कर चली गई है? क्या वाकई में वो अपने कृष्ण में समा गई है? हाँ, अपने कृष्ण में विलीन हो गई है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन मीरा को मारने में उसकी भक्ति का ही सबसे बड़ा योगदान होगा। जिस भक्ति को मीरा सबसे बड़ी शक्ति मानती थी, आज वही भक्ति मीरा की मृत्यु के राज को छुपाने में हमारी सहायक बनी है। मीरा भाभी कहाँ है श्री जी? आप भोली भाली प्रजा को बेवकूफ बना सकते हैं, पर अपनी बहन को नहीं। उदा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो जानती हो उदा, मीरा भाभी मूर्ति में समा गई है। झूठ बोल रहे हैं आप। हम जानते हैं कि आपने ही मीरा भाभी को कहीं छुपाया है। मैं भला मीरा भाभी को क्यों छुपाऊंगा? मेरे जैसा तुच्छ इंसान मीरा भाभी के आगे कुछ भी नहीं है। पहले मैं उनकी भक्ति को नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने उनके सच्चे रूप के दर्शन किए तो मेरी आंखें खुल गई। अब दुख तो इस बात का है उदा, जाने से पहले मैं मीरा भाभी से अपने कर्मों की माफी नहीं मांग पाया। झूठ चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो श्री जी, उसकी काली परछाई में सच कभी नहीं छुपता। एक दिन सबको पता चल जाएगा कि मीरा भाभी कहाँ है। ये सच कभी किसी को पता नहीं लगेगा कि मीरा की मृत्यु हो चुकी है। उधम, इस सच को पत्थर की लकीर बनाने का समय आ गया है। अब हमें अपनी आखिरी चाल चलनी होगी। वो देखिए, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूं। आज मैं राजा होते हुए भी अपने आप को आप लोगों के सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। आप लोगों ने तो कम से कम मीरा भाभी की भक्ति का, उनके मार्गदर्शन का लाभ उठाया है, पर मैं बदकिस्मत तो मीरा भाभी की भक्ति की शक्ति को पहचान ही नहीं पाया। लेकिन जब हमने पहचाना तब वो हमसे बहुत दूर चली गई थी, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? भगवान की इच्छा के आगे कोई क्या कर सकता है? मैं मीरा भाभी के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हुए
आज ये घोषणा करता हूं कि मैं मीरा भाभी के प्रभु श्री कृष्ण का मंदिर बनवाऊंगा। आज ये विक्रम अपने आप को मीरा बाई का गुनहगार मानता है और चाहता है कि इसे उसके गुनाहों की सजा मिले। ये तलवार आप लोगों के सामने रखी है, आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। ये विक्रम आज कुछ नहीं कहेगा। राणा विक्रम की, राणा विक्रम की, राणा विक्रम की। आपका राणा सा के प्रति विश्वास छलक रहा है, उस बात के प्रति विश्वास जो ये कहते हैं कि मीरा बाई हमें छोड़कर चली गई हैं। क्या आपको इस बात पर पूरा विश्वास है कि मीरा बाई सच में अपने भगवान में समा गई है? कल तक जो इंसान मीरा बाई की जान का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज अचानक मीरा भक्त कैसे बन गया? यही बात तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूं उदा। मीरा भाभी से तो तुम भी बहुत नफरत करती थी ना, फिर अब उनके गुणगान कैसे करने लगी? हमारा ये बदलाव कोई चमत्कार नहीं है श्री जी, हमारे मन में सच्ची लगन उठी है। मीरा भाभी के अंदर हमने भगवान के दर्शन किए हैं। श्री कृष्ण के रंग में रंग गए। हमारा साथ कोई दे या ना दे, हम सच्चाई जानकर ही रहेंगे कि मीरा भाभी है कहां। हाँ तो ठीक है ना उदा, पूछो मीरा के गिरधर से कि कहां है मीरा भाभी। आप ही बताइए कहां है आपकी परम भक्त? आज आप चुप नहीं रह सकते। अगर वो अपनी भक्ति की शक्ति से आप में समा सकती है, तो उसी भक्ति की शक्ति से वो हमारे बीच वापस भी आ सकती है, और उन्हें वापस आकर बताना ही होगा सत्य क्या था। और जब तक हमें सत्य का पता नहीं चलेगा, हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। भी अन्न और जल का त्याग करती हूँ। हाँ हाँ, हम लोग भी अन्न और जल का त्याग करते हैं। Yes.
इसकी हालत तो बहुत खराब है, इसे जल पिलाना पड़ेगा। नहीं, जब तक मीरा दीदी वापस नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं पीऊंगी। सुख दुखानी सर्वाणी मया सह सुखश्यते कुटुंब रक्ष कार्यास्तामी अवार पुत्र हरिदम आश्री नास्ति संतुष्टा वितयसा त्रिहिदम वापस आ गई हैं। क्या? हाँ राणा साहब, मंदिर में सभी लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे और कुमरी मीराबाई साहब ने उन सबको दर्शन दिए। वो स्वयं मोटी से बाहर आई थी। असंभव। मीरा जब मूर्ति में गई नहीं तो फिर बाहर कैसे आ गई? ये नहीं हो सकता। मीरा वापस नहीं आ सकती। मीरा वापस नहीं आ सकती। मीरा, ये सब कैसे हो सकता है? मीरा तो यहाँ है ही नहीं, पर अभी तो वो यहाँ थी। प्रीसा, कुमरी साहब, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? कुमरी साहब, मैं राणा साहब को मीराबाई साहब के बारे में बताने गई तो ये सुनकर के मीराबाई साहब यहाँ आई थी, मानो उनके होश ही उड़ गए। मैंने उन्हें ये कहते भी सुना कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब मीरा मूर्ति में समा ही नहीं वापस कैसे आ सकती है? इसका मतलब हमारा शक सही था। मीरा भाभी कभी मूर्ति में समाई ही नहीं थी, तो फिर मीरा है कहाँ? हमें पता,
ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? यदि मीरा सच में वहां से बाहर आ गई तो मेरा भेद खुल जाएगा, और यदि ऐसा हुआ मुझे ढूंढ रहे हो? ओम आरोहे मम श्मादमश्मेव त्वं स्थिरा भव। ये सब क्या हो रहा है? मैंने पूछा कौन है यहां? राणा साहब, उसे कोई भूल हो गई। राणा साहब मीरा कहां है? राणा साहब मीरा मर चुकी है। राणा साहब आपको किसी ने गलत खबर दी है, मीरा मर चुकी है। यदि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप स्वयं चलकर भूत महल में देख लीजिए। हमें भूत महल की चाबियां चाहिए श्री जी। लेकिन क्यों चाहिए तुम्हें चाबियां? हम चाहते हैं कि एक बार हम वहां जाकर अपनी आंखों से देखें कि कहीं मीरा भाभी वहां तो नहीं। ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें चाबियां नहीं दे सकता। आखिर तुम्हें चाबी देने में आपत्ति क्या है विक्रम? चाबियां इन्हें दे दो विक्रम। पर बड़ी मासा, उदा बेकार में इज्जत कर रही है, वहाँ कोई भी नहीं है। अगर वहाँ कोई नहीं है तो इन्हें चाबियां दे दो, इनकी शंका मिट जाएगी। मुझे मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है बड़ी मासा। मेरे कहने का मतलब तो यह है कि वहाँ वहाँ भूत महल में खतरा है बड़ी मासा। ये उदा, ये गाँव वाले, कहीं कोई भूत प्रेत का साया इन पर पड़ गया तो? इन्हें कुछ नहीं होगा विक्रम, इनकी तसल्ली के लिए इन्हें चाबी दे दो। ठीक है बड़ी मासा, आप कहती हैं तो, पर मैं उदा और अपनी प्रजा को अकेले नहीं जाने दूंगा बड़ी मासा, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। उधम, चाबी लेकर आओ। उधम, द्वार खोलो।
वहां जाओ, हम उधर देखते हैं। समा गई थी। जय श्री कृष्ण। ये पत्ता तो इस बात का संकेत है कि मीरा भाभी यहीं कहीं है। हमें अपनी खोज को जारी रखना चाहिए।
बैठ जी, क्या हुआ मीरा को? वो ठीक तो है ना? रानी साहब, इन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है। नाड़ी भी सही चल रही है और किसी रोग के लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं। ये बिल्कुल स्वस्थ है रानी साहब। पर वैद्य जी, मेरा होश में क्यों नहीं है? वैद्य जी, कुछ भी कीजिए, पर हमारी मीरा भाभी को किसी भी तरह होश में ले आइए। इन्हें होश में लाने के सिर्फ दो ही उपाय हैं। इनकी सबसे प्रिय वस्तु और सबसे प्रिय व्यक्ति जो इनके समीप है, या फिर कोई सिद्ध महात्मा जो इनकी अवचेतन अवस्था को चेतन अवस्था में ला सके, बस ये दो ही उपाय हैं। हे भगवान, हमारी मीरा भाभी की चेतना उन्हें लौटा दो। आप प्रभु, हमें हमारी मीराबाई लौटा दो। बोलो हरे गोविंद हरे मुरारी, हरे गोविंद हरे मुरारी, हरे गोविंद हरे मुरारी, हरे गोविंद हरे मुरारी। नाय नाय, मेरा विश्वास कीजिए काका साहब, मेरी आंखों के सामने मीरा उस मलबे में दब गई थी। राणा साहब, वो मलबा इतना भारी था कि उससे बाहर निकलना असंभव था। कहीं ऐसा तो नहीं उधम कि मीरा का काला जादू तुम पर भी चल गया है और उसके साथ मिलकर तुम हमें धोखा दे रहे हो? बोलो उधम। नहीं राणा साहब, नहीं, आप जिंदगी भर मुझ पे कोड़े बरसाते रहिए राणा साहब, मेरी जान ले लीजिए, किंतु ऐसा मत करिए। राणा साहब, मैं नमक हराम नहीं हूं। बातें नहीं उदम, हमें प्रमाण चाहिए और तुम्हारी बेगुनाही का प्रमाण हमें तब मिलेगा जब तुम मीरा को होश में आने से पहले ही मार डालोगे। अगर मीरा होश में आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे उधम। मीरा, आंखें खोलो मीरा, देखो ये तुम्हारा वो एक तारा है जिससे तुम अपने कान्हा के लिए भजन गाया करती थी। आज तुम भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेजान सा हो गया है। उठो मीरा और इस तारे के संग अपने कान्हा के लिए भजन गाओ। मीरा मीरा, उठो ना मीरा, मीरा उठो, मीरा मीरा उठो, मीरा मीरा उठो ना, मीरा मीरा उठो, मीरा उठो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा, मुक्तेश्वर बाबा। क्यों भंग किया? क्षमा कीजिएगा बाबा, किंतु मैं आपकी साधना भंग नहीं करना चाहता था,
मैं तो यहाँ आपसे मदद मांगने आया हूँ। कैसी मदद? बाबा, मुझे चित्तौड़ के राणा साहब विक्रम ने यहाँ भेजा है। उनकी भाभी मीराबाई ने चला जा यहाँ से। मैं उस पाखंडी से संबंधित कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। बाबा, आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने कह दिया ना, मैं उस पाखंडी से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहता। मीराबाई खुद को भगवान समझती है। वो तो एक छोटी सी सिद्धि जानती है, जिसके कारण सभी गांव वालों को उसने अपने वश में कर रखा है। वो अभी भी अपने योग के बल पर मूर्छित होने का ढोंग कर रही है, ताकि सारे गांव वाले उसकी जय जयकार करें। मैं उसके इस पाखंड से बहुत क्रोधित हूं, पर ये परपंच अब ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगा। यही तो मैं भी चाहता हूं बाबा। मैं चाहता हूं कि उसका पाखंड दुनिया के सामने आना चाहिए। बाबा, आप ही कुछ कर सकते हैं। मानवता के कल्याण के लिए अब आपको आगे आना ही होगा बाबा। जा, अपने राणा साहब से कह दे, मैं चित्तौड़ पहुंच जाऊंगा। प्रणाम बाबा। वैद्य जी, मीरा के स्वास्थ्य में कोई सुधार हुआ? अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ रानी सा। अब चेतन अवस्था इतनी गहरी है कि कोई भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा। अगर कल सुबह तक इनको होश नहीं आया तो इनके प्राण भी जा सकते हैं। मीरा की हालत बहुत नाजुक है। मीरा की खबर मेड़ता तक पहुंचा दो। जी रानी साहब। भगवान जी से बहुत प्रेम करते, उसे उसे अपने पास बुला लेते। शायद आज की रात मीरा के साथ ये हमारी आखिरी रात होगी। कुछ नहीं होगा आप लोगों की मीरा बाई को। आप लोग हिम्मत मत हारिए, भगवान रुद्र पर भरोसा रखिए। मीरा के बारे में जैसे ही मुझे पता चला, मैं फौरन यहां चला आया। बड़ी किस्मत से ऐसी पुण्यात्मा की सेवा का अवसर मिलता है। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम मीराबाई के प्राण बचाएंगे, उन्हें उनकी चेतना में वापस लाएंगे। जो कृष्ण भक्ति का पाखंड करती है। मीरा, अब मैं ये तेरा पाखंड और जलने नहीं दूंगा। हम अपनी साधना से तेरी सांसों की गति को ही रोक देंगे और फिर तेरी अंतिम सांस के साथ तेरा ये पाखंड हमेशा हमेशा के लिए खत्म। हर हर महादेव।
प्रणाम बाबा, प्रणाम। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे बाबा। बाबा आपको क्या करना है आप जानते हैं ना? विक्रम, मुझे बस एक छोटी सी मूर्ति चाहिए, मीरा के इस बाल को उस मूर्ति से बांधकर हम अपनी साधना शुरू करेंगे, जिससे मीरा के प्राण उस मूर्ति में कैद हो जाएंगे और मीरा मात्र मृत शरीर रह जाएगी, और उसी एक प्रहर में तुम्हें मीरा के शव का अंतिम संस्कार करके उसकी अस्थियों का विसर्जन करना होगा। वैद्य जी, दो दिन हो चुके, मीरा को अब तक होश नहीं है, कुछ तो उपाय कीजिए। जो उपाय था वो हम कर चुके हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यदि आज इनको होश नहीं आया तो इनके प्राणों को खतरा हो सकता है। मीरा, मीरा होश में आओ, मीरा, मीरा आंखें खोलो, आंखें खोलो, मीरा उठो, मीरा उठो। मीरा, तुम्हारे बिना तुम्हारे कान्हा की सेवा करने वाला कोई नहीं है। अपने कान्हा की सेवा करने के लिए नहीं उठोगी? इनके भोग का समय हो गया है, अपने कान्हा को भोग नहीं चढ़ाना है तुम्हें। देखो देखो, ये तुम्हें बुला रहे हैं। हमार लीली तो कम से कम अपने अपने कान्हा के लिए तो उठो ना मीरा, आंखें खोलो मीरा, उठो मीरा, जाओ मीरा। आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण दिन है। आज हम मीरा की सांसों को योग के द्वारा इस मूर्ति में कैद करेंगे। मीरा आंखें खोलो, आंखें खोलो मीरा, उठो मीरा उठो। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू करवा दो।
हमारी साधना तेरे पाखंड से जीत गई। यदि तेरी भक्ति में शक्ति है तो इस मूर्ति से आजाद होकर दिखा, वरना हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से विदा होने के लिए तैयार हो जाओ। रानी सा, मेरा भाई अपनी अंतिम सांसें ले चुकी है। आज का दिन मेवाड़ के लिए बहुत बड़े दुख का दिन है। हमारी मीरा भाभी, आप सबकी मीरा बाई हमें छोड़कर, इस संसार को छोड़कर चली गई। मृत्यु इस संसार का अंतिम सच है। हमें मीरा बाई की मृत्यु को भी भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। उधम, जल्दी से मीराबाई की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू करो। जाओ, जल्दी जाओ। विक्रम, जयमल आ रहा है। हमें लगता है कि हमें मीरा का अंतिम संस्कार रोक देना चाहिए और जयमल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नहीं बड़ी मासा, हम किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हमारे पास समय नहीं है। क्या मतलब? हमारा मतलब है बड़ी मासा, जयमल मेरता से अभी चले होंगे। यहाँ कब पहुंचेंगे, कितना समय लगेगा, कौन जानता है बड़ी मासा? वो मीरा का भाई है विक्रम, चाहे कितनी भी देर हो जाए पर हमें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं, हम किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं कि मीरा बाई की भी अंतिम इच्छा यही थी, और आज जब उनकी इच्छा पूरी हो रही है तो हम उनके क्रियाक्रम में देरी कर रहे हैं। मीरा बाई की आत्मा अपने कृष्ण से मिलने के लिए कितना तड़प रही होगी। ठीक है, मीरा के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए। विक्रम, विक्रम, ये आप क्या कर रहे हैं? मीरा के अंतिम क्रिया में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? ये हमारी योजना का एक हिस्सा है। हमने एक बाबा की मदद से मीरा की सांसों को कैद कर लिया है, पर केवल एक पहर के लिए, और उसी पहर में हमें मीरा का अंतिम संस्कार करना होगा, वरना मीरा के प्राण उसके शरीर में वापस लौट जाएंगे। और अब मासा, तो ये तुम्हारा षड्यंत्र था, पर मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाकर सबको इस बारे में बताता हूँ। उधम, ये जिंदा ना बच पाए, ये सब कुछ जान गया। जाओ, जल्दी पकड़ो इसे। हे
तो तू हमारा भेद खोलेगा। हाँ।